पैसा पैसा पैसा, यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसा। आज के समय में हर इंसान पैसे के पीछे इतना तेजी से भाग रहा है कि अगर आप इस दौड़ में नहीं दौड़ेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारे पास जितना ज्यादा हो उतना कम, यानी कि हम कभी भी पैसे को लेकर संतुष्ट हो ही नहीं सकते। अमीर से अमीर इंसान और भी ज्यादा अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसे में अगर गरीबों की बात करें तो उनके स्ट्रगल की कहानी अलग ही लेवल की है। उन्हें तो पैसे के साथ साथ बाकी सुख सुविधाओं के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ध्यान दे तो पैसा एक ऐसा साधन बन चुका है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की 90% तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा व्यवसाय से लेकर हर एक चीज जो एक आम इंसान की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसे पैसे से खरीदा जा सकता है। अब जब पूरी दुनिया इस पैसे की भागा दौड़ी में आगे बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगी हुई है तो फिर आप भला पीछे क्यों रहे? मैं हूं आरजे संयम और आपके लिए लेकर आया हूं जेम्स एलन, नेपोलियन हिल और रॉजर फ्रिट्स की लिखी एक ऐसी बुक का एक्सप्लेनेशन जो आपको अमीर बनने के वो राज बताएंगी जिसकी मदद से आप भी एक अमीर आदमी बन पाएंगे। इस किताब का नाम है मास्टरिंग मनी, हाउ टू बिकम रिच, जिसे लिखा है 3 अलग अलग राइटर्स ने, पहले जेम्स एलन, नेपोलियन हिल और रॉजर फ्रिट्स ने। इन तीनों राइटर्स ने मिलकर हम सभी के लिए एक कमाल की किताब लिखी है। मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में जरूर मददगार साबित होगी। तो चलिए फिर अमीर बनाने वाले इन सीक्रेट्स को जानते हैं और समझते हैं। जब बात अमीर बनने की होती है तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा पैसों के ऊपर घूमता है। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए केवल और केवल पैसे की जरूरत है, जबकि ज्यादातर लोग इसी जगह गलती कर जाते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर विजन एंड आइडियल को जेम्स एलन ने लिखा है। जो कि शुरुआत में आपको बता दें कि इस किताब के अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग राइटर्स ने लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। हम आपको चैप्टर के साथ उसके राइटर का नाम भी बताते चलेंगे ताकि आप ये समझ पाए कि इस चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है। जेम्स एलन ने अपने इस चैप्टर में अमीर बनने के लिए एक सही विजन और आइडियल के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही विजन की जरूरत होती है। जब तक आपको आपकी लाइफ में सही विजन ना हो तब तक आप केवल नदी में रहते एक नाव के समान होंगे जिसके किनारे का कोई ठिकाना नहीं होगा। यानी कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए कोशिश तो बहुत करेंगे लेकिन आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जेम्स एलन ने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह एक स्ट्रांग विजन रखना चाहिए। उनके अनुसार हमारा विजन जितना स्ट्रांग होगा हमारी ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। अब बात करते हैं विजन आखिर है क्या। तो विजन एक हाई लेवल गोल होता है जो किसी इंसान के थिंकिंग और एक्शन को दिखाता है। दरअसल विजन हमारा वो सपना होता है जिसे हम हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अक्सर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके बारे में सोचते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। इसलिए अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी मंजिल तक बिना गलती किए पहुंचने के लिए हम जो कुछ भी सोचते और प्लानिंग करते हैं वो हमारा विजन कहलाता है। जेम्स एलन बताते हैं कि हमें अपने विजन को लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म विजन और दूसरा लॉन्ग टर्म डिजाइन, छोटे स्तर पर कम समय में क्या पाना चाहते हैं और आप बड़े स्तर पर ज्यादा समय में क्या पाना चाहते हैं, ये दोनों हमारे विजन है कि हम अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अगर आप अगले 3 महीने के लिए कोई विजन प्लान करते हैं कि आपको अगले 3 महीने तक 10 लाख रुपए कमा लेना है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म विजन हो गया, यानी आपका शॉर्ट टर्म प्लान। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं कि ये साल खत्म होने से पहले आपको करोड़पति बनना है, इसके लिए आप पूरे 1 साल की प्लानिंग और तैयारी करेंगे। आपको उस 1 साल में क्या कुछ करना है ये आप आज ही निर्धारित करेंगे जो आपका लॉन्ग टर्म विजन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप विजन को तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है आइडियल, यानी कि हमारे आदर्श, हमारे उसूल। अब दोस्तों इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि फला इंसान मेरा आइडियल है, यानी कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं या फिर मैं भी उनकी तरह काम करना चाहता हूं। तो अगर आइडियल को एक्सप्लेन किया जाए तो आइडियल वो मेंटल सिचुएशन है जो हमें किसी स्पेशल इंसान या चीज को पाने के लिए
हमारे अंदर एक स्ट्रांग डिजायर पैदा करता है जो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। हमारे आदर्श किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, फिर चाहे वो सोशल हो, रियलिज्म हो या मॉरल, हमारे लिए उसे इंसान या चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और हम उसे किसी भी हद तक पाने की चाह रखते हैं। जब हम किसी चीज को अपना आइडियल मानकर काम करते हैं, यानी हम किसी चीज को अपना आइडियल मानकर अपने मन में एक विजन क्रिएट करते हैं, तो हमारा मन उसे पाने के लिए सही डायरेक्शन में काम करने लगता है। जेम्स एलन हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आपका अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए एक क्लियर विजन होना चाहिए और आपके पास एक आइडियल होना जरूरी है, यानी कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जो आपको अमीर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें इलॉन मस्क बहुत पसंद है, क्योंकि इलॉन मस्क दुनिया के ऐसे अमीर इंसान है जो हजारों यूथ को इंस्पायर करते हैं। तो आपके पास इस तरह की आइडियल और विजन का होना बहुत जरूरी है। आइडियल को और भी डिटेल में समझने के लिए एलन कहते हैं, जब हमारी सोसाइटी में कोई इंसान कुछ बड़ा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ के साथ साथ नकल भी करना शुरू कर देते हैं, यानी लोग उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो इंसान हजारों लोगों के लिए आइडियल बन जाता है। अगर आप भी अपनी सोच को नई दिशा में लाकर कुछ नया करते हैं तो आप भी लोगों के लिए एक आइडियल बन जाएंगे। आज हम भी किसी ना किसी इंसान को फॉलो करते हैं, फिर वो चाहे कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, एक्टर, सिंगर, डांसर या बिजनेसमैन क्यों ना हो, यहां तक लोग पॉलिटिशियंस को भी फॉलो करते हैं। जेम्स एलन बताते हैं कि आपको अपने विजन को फुलफिल करने के लिए उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में अमीर बनने के लिए अगर आपने जो कुछ भी प्लान किया है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दीजिए और उसके लिए जो भी जरूरी चीज है, जैसे कोई जरूरी स्किल जो आपको सीखनी चाहिए, उसे जरूर सीखें। जेम्स एलन बताते हैं कि हर इंसान का उसकी लाइफ में एक एम होना चाहिए। बिना एम के लाइफ बेकार है। जिस इंसान का अपनी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने मन में झांक कर ये पता करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। एक बार आपको अपनी लाइफ का गोल मिल जाए तो फिर आपको उसे पाने के लिए खुशी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रयास और परिणाम दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा नाता है। आप जितना ज्यादा प्रयास करते हैं सफलता मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। इसीलिए लाइफ में एक लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करें। तब तक कोशिश करें जब तक लक्ष्य आपको हासिल ना हो जाए। अब यहां एक बात और जो आपको आपकी मंजिल और आपके बीच में बहुत ज्यादा मायने रखती है और वो है आपका एटीट्यूड। इस बुक का सेकंड चैप्टर है कि आपका एटीट्यूड किस तरह आपके रिजल्ट को इफेक्ट करता है। इसलिए मंजिल पाने के लिए आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, जानेंगे सवाल का जवाब अगले एपिसोड में। दोस्तों, सेकंड चैप्टर की शुरुआत नॉर्मल विल्सन पॉल के एक कोट के साथ होती है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बना सकता है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बनाएगा। सेकंड चैप्टर को रॉजर फ्रिट्स ने लिखा है। वो कहते हैं कि दोस्तों, यहां एटीट्यूड का मतलब आपके नजरिए से है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं और आप दुनिया से क्या उम्मीद करते हैं। वो बताते हैं कि क्या आपका एटीट्यूड आपके सोचने के तरीके को बताता है कि आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आप चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो यह तय है कि आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनका मानना है कि पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते हैं। उनके अंदर एक कमाल की विल पावर होती है जो उन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने की क्षमता देती है। वो कभी भी मुसीबत के आगे हार नहीं मानते और ना ही कभी कोशिश करना बंद करते हैं। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी एक नई अप्रोच के साथ एक नया डिसीजन और एक नया रास्ता बनाते हैं। वो ये बखूबी जानते हैं कि किसी मुश्किल हालात को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अब क्योंकि इस पूरी किताब में अमीर बनने की बात हो रही है, यानी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां एटीट्यूड भी आपका ग्रोथ को लेकर होना चाहिए। राइटर ने साफ साफ बताया कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है। आपका नजरिया आपकी मंजिल तय करता है। अगर आप पैसे को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं,
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में एक दिन बहुत सारे पैसे के मालिक होंगे। राइटर हमें ये बताते हैं कि हमारे पिछली जिंदगी में जो कुछ भी होता है और हमारे प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी अगर किसी चीज को लेकर आपकी पिछली जिंदगी में कुछ बुरा हुआ होगा और आपकी करंट सिचुएशन भी उसी तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका एटीट्यूड उस चीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचने समझने की कोशिश करता है और ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगा रहता है। रॉजर बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट दिए। पहला, आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जिनका दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता है। आपको उनसे एक सफल रिश्ता कैसे बनाना है यह सीखना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आपको जिम्मेदारियों को बांटना आना चाहिए। कुछ लोग जिम्मेदारियां बांटना नहीं जानते, बल्कि या तो वो खुद को कई जिम्मेदारियां दे देते हैं या किसी एक के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना आपको पीछे छोड़ सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को भी अपने अंदर अपना लीजिए। तीसरा, नेक्स्ट रॉजर बताते हैं कि इंसान को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, फिर काम कितना भी मुश्किल क्यों ना, उसे अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए उस काम को समय पर फिनिश करना चाहिए। योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिवनेस इज द की ऑफ सक्सेस। चौथा, राइटर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं कि आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर वो आपके फेवर में हो या फिर आपके फेवर में ना हो, आपको उसे खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। पांचवा, फिर आगे राइटर हमें बताते हैं कि आपको अपने काम के प्रति हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और टाइम टू टाइम उसे चेक और अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। छठा, आपको हर किसी का सम्मान करना चाहिए, फिर वो आपसे छोटा कर्मचारी ही क्यों ना हो, आपको अपने साथ साथ दूसरों के काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सातवा, राइटर हमें बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए जितना हो सके, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बातें ही करनी चाहिए। आठवा, रॉजर फ्रिट्ज बताते हैं कि आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए। आगे चैप्टर में रॉजर फ्रिट्ज ने बिजनेसमैन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो उन्हें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई अकाउंटेबल पीपल। बुक में हमें बताया गया है कि आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में अपना वक्त और साथ दोनों ही दे सकते हैं। आपको केवल उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखना चाहिए जो आपके लिए लॉयल और आपकी कंपनी या बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इस तरह राइटर अकाउंटेबल पीपल आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी बताते हैं जिनकी मदद से आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद राइटर बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है द लीस्ट वैल्यूएबल पीपल, यानी कि LVP प्रोफाइल। पहले यहां बात कर लेते हैं लीस्ट वैल्यूएबल पीपल कौन होते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, जो अपने काम को सही समय पर नहीं करते और ना ही उसे सही तरीके से करते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है और उसके अंदर टीम वर्क करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप एक व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह के लोगों को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके फेलियर में सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अगले पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट को समझाते हुए राइटर हमें बताते हैं कि गेट द हेल्प यू नीड। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हमेशा लोगों से हेल्प लेने के लिए भी तैयार होता है। वो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि उसे जब जरूरत होती है वो लोगों से खुलकर बात करना पसंद करता है। इस तरह के लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इस तरह के लोगों के क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, ये लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के होते हैं, जो प्रॉब्लम पर ध्यान ना देकर सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं और बिना घबराए अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और वो अपनी मिस्टेक के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का पूरा फोकस केवल और केवल ग्रोथ के ऊपर होता है। वो दूसरों से किसी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं रखते, बल्कि वो अपना खुद का एक कॉम्पिटिशन बनाते हैं।
चलिए तो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है व्हाट्स रॉन्ग वर्सेस हूज रॉन्ग। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है या सक्सेसफुल बनना है तो आपको गलत और सही का पता होना चाहिए। इसीलिए राइटर कहते हैं कि क्या गलत है और कौन गलत है, आपको हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। यानी लाइफ में ग्रोथ करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो गलत है उसे गलत कहना और जो गलत लोग हैं उनका साथ छोड़ना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी आदतों में से एक है जो आपको आसानी से अमीर बना सकती है। उम्मीद करते हैं कि राइटर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप आसानी से समझ पाएंगे। बात करें अपने अगले पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो है ओवरकमिंग योर ओन नेगेटिव एटीट्यूड्स। लाइफ में कई बार सिचुएशन और गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में राइटर कहते हैं कि आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट भी बताए जिन्हें प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव, यूज ऑफ ह्यूमर, मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ आसान तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अपने इस पॉइंट में राइटर हमें बताते हैं कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने फैसले और अपने गोल के लिए खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए राइटर ने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो इस तरह के हैं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, सीक फीडबैक, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ध्यान रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द ये सीख जाएंगे। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम सीखने वाले हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। तो चलिए फिर जानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल किस तरह हमें अमीर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तो अभी तक आपने जेम्स एलन और रॉजर फ्रिट्ज के लिखे एक चैप्टर के बारे में सुन लिया, लेकिन अब इस चैप्टर को लिखा है नेपोलियन हिल ने, जिनकी बुक थिंक एंड ग्रो रिच वर्ल्ड फेमस बुक में से एक है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने इस चैप्टर में ग्रोथ के लिए सेल्फ कंट्रोल के बारे में क्या कुछ बताया। राइटर हमें बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल इंसान को अपने गोल पर फोकस करने में मदद करता है। ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ अपने एक्शन के ऊपर भी कंट्रोल करने की शक्ति देता है। जब हम किसी काम को पेशेंस के साथ बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पैसा कमाने के लिए भी हमें इन्हीं ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने बनाए गए प्लान को बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है, और हम जिस भी काम में लगे होते हैं अपना पूरा ध्यान केवल उस काम के ऊपर लगाना होता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ऐसा करना मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल पर्सन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम अपने गोल के ऊपर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना पूरा ध्यान लगा पाते हैं। आगे राइटर हमें सेल्फ कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है कंट्रोलिंग योर थॉट्स, जिसमें हम सही और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा देते हैं और वहीं नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करने में भी मदद करते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है इमोशन कंट्रोल। हम सब सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मैनेजिंग एक्शंस, यानी कि सही और समय पर कार्य करने की क्षमता सेल्फ कंट्रोल के द्वारा बनाई जा सकती है। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर फोकस करने में मदद करता है। हमारा चौथा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल हमें अपने सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, जिससे हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने एक्शन को संभाल सकते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है अवेयरनेस एंड बैलेंस। सही डिसिप्लिन और बैलेंस के साथ सेल्फ कंट्रोल हमें अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाता है।
तो ये तो बात हो गई सेल्फ कंट्रोल के कुछ फायदों के बारे में कि उनसे हमें क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। तो अब आप भी तैयार हो जाइए अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने के लिए। आगे राइटर हमें कई ऐसी अदृश्य शक्तियों के बारे में बताते हैं जो सेल्फ कंट्रोल के लिए डेवलप की जाती हैं। दरअसल जब हम सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं तो हमारे अंदर शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं जो हमें लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहले है भूख। यानी इंसान को ग्रो करने के लिए पैसे की भूख होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी बड़ी भूख होगी आप उतना ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। दूसरा पॉइंट राइटर बताते हैं आपके मानसिक दृष्टिकोण यानी कि मेंटल अप्रोच के बारे में। आप जिस तरह की सोच रखते हैं आप समय के साथ इस तरह के बनते जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल हमें पॉजिटिव थॉट डेवलप करने में मदद करता है। आपकी प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। अब आप बात करें तीसरे पॉइंट की तो वो है टाइम। राइटर का मानना है कि ग्रोथ करने के लिए टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किसी काम को अगर ऑन टाइम नहीं करते तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है सॉलिट्यूड यानी शांति। दोस्तों ग्रोथ करने के लिए आपके मन में शांति होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा तो आप बेहतर तरीके से फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे और नए नए आइडियाज को सोच पाएंगे। वहीं अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी तो आप ना तो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और ना ही सही तरीके से कोई प्लानिंग कर पाएंगे। इसी के साथ राइटर आगे बताते हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी कि वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में गोल का होना कितना ज्यादा जरूरी है। बिना गोल के जीवन वेस्ट है, यानी कि बेकार है। अगर आप एक बार सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपने उद्देश्य को आसानी से पा सकते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके मन में एक क्लियर विजन यानी एक क्लियर पर्पस होना जरूरी है। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि स्ट्रॉन्ग मोटिव इंसान को हमेशा मोटिवेट रखता है। इसके साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बुक के राइटर हमें डिसिप्लिन के अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। इंसान का डिसिप्लिन में होना उसके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इस बात को बखूबी इस किताब के अंदर बताया गया, जिस पर उन्होंने गांधी जी और गौतम बुद्ध दोनों का ही एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज के बारे में समझाया। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उसकी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हर एक काम को करने का सही तरीका होता है, उसी तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो किसी भी बड़े इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हैं, आप उनकी कहानी उठाकर पढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि वो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके सोने उठने खाने पीने से लेकर हर एक काम को करने का एक निश्चित सही तरीका और समय होता है। अगर बात करें सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे की तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बेनिफिट देता है। जैसे सबसे पहले ये आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करता है। दोस्तों आपके काम करने की क्षमता को भी इंप्रूव करता है, यानी आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन आपके स्वास्थ्य को भी सही रखने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, ये आपको इमोशनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बारे में। ज्यादा पैसे कमाने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन नेपोलियन हिल ने इस चीज को एक अलग ही तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो किताब को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर ऑर्गेनाइज प्लानिंग हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लानिंग के लिए हमें इस किताब में क्या कुछ बताया गया है। दरअसल इसका नाम सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये केवल मंजिल पाने के लिए एक प्लानिंग का तरीका होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल तीन मेन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रॉपर प्लानिंग। हाँ, ये सच है कि अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है।
लेकिन नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपको अपने प्लान को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे अपडेट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे प्लान एक स्टेज पर आकर फेल भी हो जाते हैं और कुछ लोग फेलियर के कारण अपने प्लान पर काम करना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। किसी प्लान का बार बार अनसक्सेसफुल होना इस बात का सबूत है कि आप उस प्लानिंग के वक्त में अपने मन को कंस्ट्रक्ट ना करके जल्दबाजी में आपने कोई प्लानिंग की है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट की माने तो हमें काम करने से पहले सबसे ज्यादा वक्त उसकी प्लानिंग पर देना चाहिए। एक बार अगर आपने सही प्लानिंग बना ली तो आप उस पर तेजी से काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में प्लानिंग करते हैं वो अक्सर काम के वक्त रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं। राइटर का मानना है कि अक्सर हमें प्लानिंग करते वक्त कुछ एक्सपर्ट से भी सजेशन ले लेने चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर चुके हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो चुनौतियों का सामना करके एक नई लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप उनसे डिस्कस करके उनके सजेशन से अपनी प्लानिंग बनाते हैं तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बेसिकली पूरी किताब में बिजनेस, जॉब और कॉर्पोरेट के लिए ही बातें की गई हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल हमें दूसरे पॉइंट के बारे में बताते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एक सक्सेसफुल लीडर के पास अपनी टीम के साथ काम करने के लिए एक प्रॉपर प्लान की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने एक अच्छे लीडर की 11 मेरिट और 11 डीमेरिट के बारे में बताया जो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप के कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में। पहला है विजन। दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए क्लियर विजन रखना और इसे क्लियर तरीके से उन्हें बताना। दूसरा है कम्युनिकेशन। थॉट, एक्सपेक्टेशन और फीडबैक को कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी, एथिक्स और कंसिस्टेंसी को कम करना जो टीम के सदस्यों के बीच फेथ और रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। चौथा है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी। अपने काम और नतीजों की जिम्मेदारी लेना और दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं एक सक्सेसफुल लीडरशिप के। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ मेजर केसेस के उन सक्सेसफुल लीडरशिप के। सक्सेसफुल लीडर के अंदर जो चीजें हैं उन्हें छोड़ के उसके अलावा एक अनसक्सेसफुल लीडर के अंदर जो चीजें होती हैं हम केवल उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला ईगो एंड एरोगेंस, दूसरा फेलियर टू लर्न एंड अडेप्ट, तीसरा सैक्रिफाइसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस डेलीगेशन, चौथा एक्सपेक्टिंग सैलरी फॉर नॉलेज नॉट एक्शन, पांचवा फियर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉलोअर्स, छठा लैक ऑफ इमेजिनेशन, सातवां सेल्फिशनेस, आठवां लैक ऑफ डिसिप्लिन, नौवां बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। अगर आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इन बैड हैबिट्स को दूर करना होगा ताकि आप भी एक अच्छे लीडर बन सके, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस को पा सकता है। अब आगे राइटर ने बात की है रिज्यूमे के बारे में। दरअसल जब हम कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वहां पर अपना रिज्यूमे देते हैं ताकि हमें बेहतर से बेहतर जॉब मिल सके। अपने इस चैप्टर में राइटर हमें रिज्यूमे में होने वाली मिस्टेक के साथ साथ एक परफेक्ट रिज्यूमे की मेकिंग के बारे में बताते हैं। दरअसल रिज्यूमे एक ऐसा माध्यम है मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन कम होता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास आपका पर्सनल रिज्यूमे होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि कई बार बिजनेस में भी आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ बताया है राइटर ने अपने इस चैप्टर में रिज्यूमे को लेकर। दोस्तों रिज्यूमे बनाना तो आप सभी लगभग जानते ही होंगे, लेकिन यहां पर एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसके बारे में राइटर बताता है जो आपको अपने रिज्यूमे में हर हाल में मेंशन करना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले है आपका एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज। आपको डिटेल में बताना चाहिए कि आप किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही आपकी किस चीज में ज्यादा एक्सपर्टीज है, लाइक कोई ऐसी चीज जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट है उसे भी मेंशन करना ना भूलें।
इसके साथ नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं कि जब कभी आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें रेफरेंस और रिकमेंडेशन जरूर से लिखना चाहिए। ये वो फैक्टर है जो सामने वाले को आपके बारे में बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल ऑफ रिलायबिलिटी, हाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप सामने वाले का भरोसा जीतना चाहते हैं। आपको अपने काम, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस का टेस्टिमोनियल भी जरूर अटैच करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस, अपनी पिछली जॉब में या आप पिछले सालों में क्या क्या काम करते आए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। आपको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में भी मेंशन करना चाहिए, लाइक आपकी हॉबीज क्या हैं, आप किस सेक्टर में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और किस चीज को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करें, लेकिन उन क्वालिफिकेशन को जरूर से ऐड करें जो उस अपॉर्चुनिटी या जॉब के लिए रिलेटेबल हो। ये कुछ टिप्स हैं जिनके द्वारा आप अपने रिज्यूमे को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, जो आपको एक बेहतर जॉब या अपॉर्चुनिटी पाने में मदद कर सकता है। राइटर ने इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में विद एग्जांपल समझाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी मनचाही पोजीशन को कैसे पाएं, कि आप एक स्ट्रगलर हैं या स्टूडेंट हैं और आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी मनचाही पोजीशन कैसे मिले। इन चीजों के बारे में भी इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से पॉइंट हैं जिसके द्वारा आप अपनी मनचाही जॉब पा सकते हैं। जब कभी भी आप रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डिजायर जॉब को एक्सप्लेन करना ना भूलें, यानी आप ये बताना ना भूलें कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आता है आप टारगेट सिलेक्शन के ऊपर जरूर से फोकस करें। आप उन्हें ये बताएं कि आप उस पोजीशन पर क्यों आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा उन्हें अपने काम और अपने एक्सपीरियंसेस का रेफरेंस जरूर दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका नेचर, आपका अपना प्रेजेंटेशन। कई बार रिज्यूमे और इंटरव्यू की वजह से भी हमें वो पोजीशन नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए होती है, इसीलिए हमारा पर्सनल नेचर, पर्सनल बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। इसके साथ आप किसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये भी आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी आप उस पोजीशन को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आप अपनी एजुकेशन, उस जॉब प्रोफाइल, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को लेकर कितने ज्यादा कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियां जिसके द्वारा आप अपना सिलेक्शन किसी भी ऐसी पोजीशन पर करवा सकते हैं जहां आप खुद को इमेजिन करते हैं, यानी आप अपनी लाइफ में एक बेहतर करियर ऑप्शन आसानी से पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है और आप हमारे राइटर की लिखी इस किताब की इंफॉर्मेशन को पसंद जरूर करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कि राइटर ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में क्या बताया। सो फाइनली हम आ चुके हैं चैप्टर 5 में, जहां पर राइटर हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी है। मुझे लगता है आपको उन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनना चाहिए। चैप्टर की शुरुआत में राइटर आपको अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ कहानी बताते हैं कि कैसे उन्हें ट्रैवल करते वक्त एयरपोर्ट पर कुछ बुक बेचने वाले मिलते हैं जो उनकी बुक उन्हें ही बेचने की कोशिश करते हैं, कि कैसे पुलिस वाला उन्हें बिना पहचाने रोक लेता है और फिर उनको ये बताता है कि वो उन्हीं की किताब पढ़कर अपनी लाइफ में सफल हुआ है। इन सारी बातों को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो बताते हैं, मेरी किताब केवल एक शब्दों का भंडार था, लेकिन उनके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ने उसमें लिखी हर एक बात को पॉजिटिवली लिया और उसे अपनी लाइफ में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से वो सभी आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपका पॉजिटिव रहना आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ अलग चीज है, जिसके लिए वो बताते हैं कि 5 ऐसी मेंटल सिचुएशन होती हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में आपकी मदद करती हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्या है वो 5 मेंटल सिचुएशन। देखिए, इसमें सबसे पहली मेंटल सिचुएशन है, वो है डिजायर, यानी आपकी जरूरत क्या है, आपकी डिजायर आपके गोल को
और एक विजन को क्रिएट करती है कि आप उसे पाने के लिए कोशिश करें। दूसरी चीज आती है आपकी एक्सपेक्टेशन, यानी आप उस चीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात करूं तो समझ लीजिए आपकी डिजायर है कि आपके पास एक कार हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उस कार में फर्स्ट क्लास एयरबैग लग्जरी स्पिल हो। बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो है आपका डिटर्मिनेशन, यानी आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। फोर्थ आपका फेथ, यानी आपको कितना ज्यादा विश्वास है उस चीज को पाने के लिए। अगर इसे आसान भाषा में बताएं तो आप उस चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करने में कितना विश्वास रखते हैं। वहीं लास्ट पॉइंट है एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि आप अपना कितना परसेंट उस चीज को अचीव करने के लिए लगाते हैं, आप कितने ज्यादा एंगेज्ड हैं उस चीज को हासिल करने में। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो करेंगे। आगे राइटर बताते हैं डिजायर की। राइटर बताते हैं कि डिजायर हमें न्यू डायरेक्शन एंड न्यू मोटिव देती है अपने सपनों को सच करने के लिए। इतना ही नहीं, कई बार हमारी इच्छाएं इन्हें एक्टिव भी बना देती हैं। इसलिए हमें केवल पॉजिटिव डिजायर ही रखनी चाहिए और उसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग भी बनाए रखनी चाहिए। राइटर बताते हैं कि डिजायर हमें होप की ओर ले जाती है, यानी हमारे मन में कुछ इच्छाएं जागने लगती हैं उस चीज को पाने के लिए, जो हमारे अंदर इस बात का विश्वास जगाती है कि हम उन चीजों को पा लेंगे। और यही थिंकिंग हमें एक्टिवली उस चीज को पाने के लिए इंस्पायर करती है। राइटर बताते हैं कि जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो फिर आपके मन में एक होप बन जाती है कि आप एक वक्त बाद उसे पा लेंगे। और जब आप उसे पाने के लिए स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वो एनर्जी आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा असफल इंसान सफल बन जाता है, गरीब इंसान अमीर बन जाता है, दुखी इंसान खुश हो जाता है, तो वहीं डरा हुआ इंसान मजबूत बन जाता है। राइटर आगे कुछ ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिनकी मदद से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है, राइटर बताते हैं कि अगर आप फेल होते हैं, यानी कि आपकी सक्सेस फेलियर में बदलती है, तो जाहिर सी बात है एक ऐसा दौर भी आएगा कि आपकी फेलियर सक्सेस में बदल जाएगी। बस आपको स्ट्रांगली इस बात पर बिलीव करना होगा। आपको अपने मन में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, बल्कि आपको पॉजिटिवली सोचना है कि आपने कहां पर मिस्टेक की है, और खुद को एक फेलियर की तरह देखने की जगह खुद को एक इंस्पिरेशन मानना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी गलतियों को ढूंढिए और एक और अटेम्प्ट देने की तैयारी करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर मैं इस चीज को आसान शब्दों में बताऊं तो राइटर ने क्लियर शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है। अब जैसा सोचेंगे परिणाम बिल्कुल वैसे ही होंगे। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में खुद के बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। राइटर बताते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना होता है। अगर आप बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं तो आपको हमेशा अमीर बनने के बारे में सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी चीज का डर सताए तो आपको ठीक उसके ऑपोजिट सोचना चाहिए। ये सब केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि ये सच में काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसीलिए चमत्कारी तरीका भी कहा जाता है। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको केवल अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी गरीबी के बारे में ना सोच के बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने और पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव थॉट धीरे धीरे आपके लिए सफलता के रास्ते खोलने लगते हैं और एक के बाद एक आपको पैसे कमाने से लेकर उसे बचाने के तरीके आसानी से मिलने लगते हैं। राइटर आगे बताते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ थॉट्स उससे रिलेटेड आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आप इसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंतरात्मा से उस समस्या के कुछ सुझाव मिलते हैं। दरअसल जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, जो आपकी प्रॉब्लम को बारीकी से एनालाइज करके उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों आगे राइटर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है एक स्वस्थ इंसान ही केवल एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकता है और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए आपके शरीर का फिट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ
अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है बैलेंस डाइट। आपको अपने खान पान में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर को शामिल करना चाहिए। एक बहुत जरूरी चीज है पानी। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके साथ खुद को मेंटली फिट रखने के लिए आपको मेडिटेशन जैसी चीजें भी अपने डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको रूटीन चेकअप भी करवाते रहना चाहिए और जितना हो सके फास्ट फूड, ड्रिंक, स्मोक जैसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद राइटर बताते हैं मेंटल पीस की। जहां राइटर बताते हैं कि ज्यादा रुपए पैसे कमाने के बाद भी अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो आपका सफल होना बेकार है, क्योंकि सफलता वो बिल्कुल नहीं है जहां आपको संतुष्टि ना मिले या आप मेंटली एक पीसफुल लाइफ ना जी रहे, बल्कि सफलता वो है जहां आप धन, रुपए, पैसे के साथ साथ मेंटली स्टेबल हैं और एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। राइटर बताते हैं कि हमारी लाइफ एक खेल की तरह होनी चाहिए जिसे हम हर पल एंजॉय करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि बिना हार जीत की परवाह किए हमें खुद को मेंटली हैप्पी बनाए रखना है, और इस तरह का पॉजिटिव थॉट ही आपको केवल लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है, क्योंकि इस तरह के थॉट से ही पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। नेक्स्ट आगे राइटर बात करते हैं होप एंड फेथ के बारे में, यानी कि आशा और विश्वास के बारे में। राइटर बताते हैं कि इंसान एक आशावादी इंसान है, यानी वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और उसे विश्वास होना चाहिए कि उसने जो भी होप किए वो एक दिन जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपकी होप आपको एक नई दिशा में सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है और आप एक नई दिशा में काम करने के लिए इंस्पायर्ड भी होते हैं। वहीं आपका विश्वास कि आप एक दिन उस काम को कंप्लीट कर लेंगे आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपको मोटिवेशन देता है। दूसरों की कहानियां हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं, जो हमें विश्वास दिलाती हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस आपको उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है। अब दोस्तों, जहां इतनी सारी चीज पॉजिटिव होंगी वहां कुछ चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव भी तो होती है, तो आगे राइटर उन्हें नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग को बर्बाद कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न। ये बताता है कि हम कभी कभी कुछ चीजों के बारे में केवल नेगेटिव ही सोचते हैं और हमारा माइंडसेट बन जाता है उस चीज के बारे में केवल और केवल नेगेटिव सोचने का। अगर आप अपने मन में नेगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप कर लेते हैं तो आप चीजों के पीछे छिपे पॉजिटिव साइड को नहीं देख पाते, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती। अब अगला पॉइंट है आपका सेल्फ डाउट, यानी खुद पर संदेह होना। जब आप खुद पर किए फैसले के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, खुद की बनाई चीजों और प्लान पर डाउट करते हैं, तो यकीनन आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते और उस चीज में आपको फेलियर मिलना तय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। इसके बारे में राइटर बताते हुए कहते हैं कि जो इंसान लड़ाई से पहले ही हार के डर को अपना लेता है वो जीतने से पहले ही हार जाता है। इसीलिए आपको किसी भी सिचुएशन में फेलियर के बारे में सोच के घबराना नहीं है। ऐसे कुछ और पॉइंट्स के बारे में राइटर ने हमें बताया है, जिसमें है कंपैरिजन। आपका पास्ट एक्सपीरियंस, किसी और बात को लेकर आपका स्ट्रेस या फिर दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सोचना भी आपके फेलियर और नेगेटिव माइंडसेट की एक वजह बन सकती है। तो चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और उलझनों के साथ कैसे डील करना चाहिए। अभी तक तो हम बात कर रहे थे सफलता के बारे में, यानी सक्सेस और पैसे के बारे में, लेकिन आपको मालूम है कि लाइफ में कोई भी रास्ता आसान नहीं है। हर एक रास्ते पर हमें उलझन का सामना करना पड़ेगा, तो बस उन्हीं चुनौती और उलझन से लड़ने के लिए ये चैप्टर लिखा है जेम्स एलन ने। यहाँ राइटर हमें बताते हैं कि जिस तरह हम बचपन से कॉलेज स्कूल में लाइफ लर्निंग के बारे में सीखते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है, पढ़ाई करके कैसे आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, हम सभी को कम उम्र से ही चुनौतियों का सामना करना भी सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें उन चुनौतियों में अपने आप को स्टेबल रखते हुए किसी एक सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश भी करनी चाहिए। हालांकि ये काम बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी होता है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं, या अगर उनकी लाइफ में किसी तरह की उलझन आ जाए तो वो और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इस चुनौती और उलझन का सामना आखिर करें तो कैसे करें। बस इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए राइटर बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी डिफिकल्टी को केवल कुछ आसान से तरीकों से दूर कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अब तक आपने जो कुछ भी जाना है उसे अपनी लाइफ में अपना ले, फिर आगे आप जो कुछ सीखने वाले हैं उन्हें ध्यान से सीखें। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट राइटर ने बताया है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी कि हमारी लाइफ में हमारे बिहेवियर का क्या असर होता है। आप लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, उनके साथ कैसा अपना व्यवहार बनाते हैं, ये सारी चीजें इस बात को डिसाइड करती हैं कि आपका उनके साथ रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है, किस तरह से आपका बिहेवियर आपके काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति कैसा है, पैसे के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना ग्रो करेंगे। दूसरा पॉइंट है लिबरेशन, यानी कि आत्म मुक्ति। अब देखिए, इसे समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी तरह की चुनौती हो, आप उसे बल के दम पर नहीं जीत सकते, बल्कि आपको धैर्य और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस चुनौती का सामना करना होगा। वहीं हमारा तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्स टू डाउट, यानी अगर आपको किसी चीज पर डाउट हो रहा है तो आपको उन चीजों के बारे में अलग से सोचना चाहिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से जांच करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसके बाद हमारा सबसे जरूरी पॉइंट है सेल्फ कमांड। ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक तरह की चुनौती से लड़ने की शक्ति देती है। जिस इंसान का खुद के ऊपर कोई कमांड नहीं होता वो अक्सर मुश्किल हालातों में लड़खड़ा जाते हैं। वहीं हमारा अगला पॉइंट है डॉट ऑफ वरी, यानी कि चिंता के नुकसान। अब दोस्तों देखिए, चिंता के वैसे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन यहां राइटर बताते हैं कि अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं और आप केवल उस बारे में बिना वजह चिंता किए हुए हैं तो आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जिस वक्त को आप प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढने में लगा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं उस कीमती समय को बिना वजह अपनी चिंताओं में बर्बाद कर रहे हैं। अगले पॉइंट में राइटर बताते हैं इन पार्शियल एनालिसिस की, यानी अपनी समस्याओं और उलझन को बिना भेदभाव के साथ बारीकी से आइडेंटिफाई करना। आपको हमेशा अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को बिना भेदभाव के बारीकी से आइडेंटिफाई करना चाहिए। राइटर हमें बताता है कि जब आप पूरी प्योरिटी से जांच करते हैं तो आप एक ऐसे सोल्यूशन पर पहुंचते हैं जो आपकी उस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। वहीं राइटर बताते हैं कि आपको अपनी गलतियों से, उन चुनौतियों से भी सबक लेना चाहिए। आपको इस बात का पता करना चाहिए कि आपने कौन सी गलतियां की थी जो आपको ऐसी चुनौतियां या उलझन का सामना करना पड़ रहा है। ये सब आपके आज को नहीं बल्कि आपके भविष्य को भी मजबूत बनाता है और आने वाली हर एक मुसीबत से लड़ने में आपकी मदद करता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो राइटर अपने इस चैप्टर में केवल इतना समझाना चाहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी मोड़ पर, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, पैसे को लेकर हो या किसी और चीज से जुदा हो, अगर आप चुनौतियों को फेस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो अपने तमाम सुझावों की मदद से अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। कई बार लाइफ में आपको एक जैसी कई समस्याएं या उनके सोल्यूशन दिखाई देते हैं जहां हम अक्सर उलझ जाते हैं कि क्या सही रास्ता है। राइटर बताते हैं कि ऐसे रास्तों पर जाने से पहले आपको सच्चाई का पता करना चाहिए, वो रास्ता अपनाना चाहिए जो पूरे तरीके से सुरक्षित हो, जहां कोई भी डिसीजन अनुमानित ना हो। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि सभी चीजों को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सच को केवल सुन लेना या चीजों को पढ़ लेना आपकी लाइफ नहीं बदल सकता जब तक आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। हाँ, कई बार इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, गरीबी रेखा की सीमा को तोड़कर अमीरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बताए गए हर एक रूल को अपनी लाइफ में आजमाना होगा। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं अगले एपिसोड पर, जहां हम जानने वाले हैं कि क्या आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक है, और यकीन मानिए इसका जवाब भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेपोलियन हिल का लिखा गया ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट है, जिसमें नेपोलियन हिल बताते हैं कि आप अपने पैसों को अपने कंट्रोल में करेंगे या आपका पैसा आपको कंट्रोल में करेगा। दरअसल ये दोनों ही बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के इस कॉन्सेप्ट को तो जरूर ही सीखना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है जो आपको जितनी तेजी से अमीर बना सकता है उतनी ही तेजी से कंगाल भी कर सकता है। राइटर बताते हैं कि कैसे पैसा आपको रातों रात अमीर बना सकता है और रातों रात कंगाल भी कर सकता है। वो कहते हैं कि आपने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी सुन रखी होगी जिनका रातों रात दिवालिया तक निकल गया, और आप ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ी संपत्ति बना ली।
अब दोनों में समझने की बात यह है कि किसने क्या किया। दरअसल एक ने अपने समय में यानी ऑपोजिट सिचुएशन में भी बिना हिम्मत हारे हार्डवर्क करता रहा और अपनी सिचुएशंस को बदल दिया, वहीं दूसरा ढेर सारे पैसा होने के कारण बुरी संगत और बुरे व्यवहार में पड़ गया और देखते ही देखते वो अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठा। ये आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। राइटर बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा कंट्रोल करना आना चाहिए, ना कि आप पैसे के कंट्रोल में रहें। जिसे और भी ज्यादा डिटेल में समझाते हुए राइटर कुछ पॉइंट्स बताते हैं, चलिए जानते हैं क्या है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पीस ओवर पावर। राइटर बताते हैं कि जैसे जैसे आप पैसा कमाने लगते हैं, आपको इस बात का पहले ही पता कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा किसी को भी हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि आप अपने इस पैसे को अपनी आने वाली जनरेशंस को देंगे और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी बुरे काम की वजह से उनकी लाइफ पर इसका इम्पैक्ट पड़े। यहीं पर एक बात और राइटर समझाते हुए कहते हैं कि कई बार पिता अपनी सारी जमा पूंजी अपने एक बेटे को सौंप देता है जिसके पास उस पैसे को संभालने का कोई भी हुनर नहीं होता, यानी वो उस पैसे के लायक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने सारे पैसे उस बेटे को विरासत में दे देता जो आगे चलकर पिता के सारे पैसों को बर्बाद कर देता। राइटर यहां पर दोनों के नजरियों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर पिता के नजरिए पर ध्यान देंगे तो पिता पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके उन पैसों को कमाता है, लेकिन वहीं अगर बेटे के नजरिए पर ध्यान देंगे तो अपने पिता के साथ रहने की वजह से बिना ज्यादा मेहनत के उसे वो सब कुछ मिल गया जिसके लिए लोग हार्डवर्क करते हैं। ऐसे में उसे अपनी लाइफ में हार्डवर्क करने की कभी इच्छा ही नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक ऐसे इंसान को मार देगा। उसका मानना है कि जब एक पिता अपने बेटे को विरासत में बहुत सारे पैसे देकर जाता है तो वो अपने बेटे के पावर को खत्म कर देता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते जो अपने बेटे में भी उस पैसे को बढ़ाने का हुनर सिखा पाते हैं। राइटर आगे कुछ कहानी बताते हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई और वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की छोटी छोटी गलतियों से इन सारी चीजों को सीखा और फिर जो उन्होंने सीखा वो अब दुनिया को सिखाते हैं ताकि लोग उस तरह की गलतियां करने से बच सकें और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। राइटर अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा अहमियत जरूर रखता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपको अपने पैसे का उपयोग दूसरों की मदद सेवा भाव के लिए भी करना चाहिए। आगे अपने दूसरे पॉइंट में राइटर 12 खूबियों के बारे में बताते हैं जो एक रिच पर्सन की लाइफ में होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी खूबियां हैं। पहली, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसे आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी कह सकते हैं, यानी ऐसे लोग लाइफ में हर एक चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं फिर सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। दूसरा, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है। वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं वो सभी अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तीसरा, मानवीय रिश्तों में सामंजस्य। राइटर अगर अपने तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो अपने आसपास दोस्त भाई बंधु सबसे अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। चौथा, सभी प्रकार के भय से मुक्ति। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हर एक तरह के डर से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि डर अक्सर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है और जो डर को हराकर जीत की ओर आगे बढ़ता है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। भविष्य की उपलब्धि की आशा। अगले पॉइंट में राइटर हमें बताता है कि इंसान को आशावादी होना चाहिए, यानी कि होपिंग नेचर का होना चाहिए, उसे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। छठा, विश्वास की क्षमता। ऐसे लोग जिनके पास पैसा कमाने की क्षमता है उनके पास विश्वास की भी क्षमता होती है, यानी दे आर फेथफुल बाय नेचर। सातवां, अगर बात करें अपने सातवें पॉइंट की तो ऐसे लोग दूसरे के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रखते हैं और अपना मिजाज ही रखना पसंद करते हैं। आठवां, इस तरह के लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते बल्कि वो उससे प्यार करते हैं। ऐसे लोग ग्रोथ करने के लिए जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। नौवां, वहीं बात करें अगले पॉइंट की तो ऐसे लोग हर एक तरह की बातों पर खुले विचार के होते हैं, वो चीजों को जज करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। दसवां, उनका खुद पर कंट्रोल होता है और वो किसी और के बहकावे में ना आकर अपनी खुद की सूझबूझ और समझ का इस्तेमाल करके कोई डिसीजन बनाते हैं। ग्यारहवां, ऐसे लोगों की सबसे खूबसूरत आदत होती है कि वो दूसरों की बातों को बखूबी समझना जानते हैं, वो सामने वाले के इंटेंशन को आसानी से पहचान जाते हैं। बारहवां,
और सबसे आखिरी और जरूरी ऐसे लोग अथाह पैसा पाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो उसके लिए लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। राइटर बताते हैं कि पैसा केवल सभी चीजों को पाने का एक जरिया है, जबकि ये शांति नहीं, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके केवल सुख सुविधाओं वाली चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन आप पैसे के दम पर मेंटल पीस नहीं पा सकते। राइटर बताते हैं कि ये किताब सिर्फ आपको पैसे तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि वहां पहुंचने के बाद आपको दुनिया कैसी दिखती है इसकी जानकारी देने के लिए भी लिखी गई है, ताकि आप जब अपने पैसे कमाने की यात्रा को शुरू करें तो आप पहले से तैयार रहें कि मंजिल पर पहुंचने के बाद आपको कौन सा दृश्य देखने को मिलेगा। इसलिए राइटर कहते हैं कि अगर आप अमीर बनने के सफर पर चलने वाले हैं तो आप अमीर बनने के साथ साथ कुछ चीजें जरूर करते चलें, ताकि आप उस मेंटल पीस को पा सके जो आप अभी इमेजिन करते हैं। राइटर कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरों के बिजनेस को भी बढ़ाने में सहयोग करें। उनका सीधा सीधा कहना है कि जब आप दूसरों को सहयोग करते हैं तो आपको मेंटल पीस भी मिलता है, और इतना ही नहीं, दूसरों के बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट में कहीं ना कहीं आपका भी हिस्सा होता है, तो आप अपने आप ग्रो करने लगेंगे। राइटर बताते हैं कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों के बारे में बताएं, और ऐसा इसीलिए नहीं ताकि लोग आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर समझे, बल्कि ये इसीलिए ताकि आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। राइटर का मानना है कि पैसा कमाने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। तो ये था 7वां चैप्टर, जिसमें आपने जाना कि आपको अपने पैसों को कंट्रोल करना, ताकि आपका पैसा आपको ना कंट्रोल करे। तो बस, हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम है मास्टरमाइंड, जहां हम बात करेंगे एक मास्टरमाइंड के बारे में जो अपने मन के इस्तेमाल से खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। हम सभी के सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी चीज को पाने के लिए या कुछ करने के लिए किस हद तक दिमाग लगा सकते हैं, ये केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके नॉलेज स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें इस चैप्टर की, तो राइटर इस चैप्टर की शुरुआत में बताते हैं कि हो सकता है कि इस चैप्टर को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन अगर आप इसे दो बार पढ़ते हैं तो आप इसके सही सही मतलब को समझ पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरह से साइकोलॉजी पर बेस्ड है, जिसे राइटर मास्टरमाइंड के नाम से बुलाते हैं। अपने इस चैप्टर में राइटर खास करके सेल्समैन के लिए बात करते हैं, यानी वो लोग जो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वो इस चैप्टर के द्वारा सेल्स के कुछ टेक्निक्स को भी सीखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं लाइफ में अमीर बनने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ चीजें बेचनी ही पड़ती हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। राइटर बताते हैं कि जब आप एक जीवन बीमा वाले इंसान को देखते हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाले इंसान को देखते हैं, तो वो हमें हमारी जिंदगी के खतरे बताकर हमें अपनी पॉलिसी बेचते हैं। ये बताता है कि आप लोगों की नीड को कैसे पूरा कर खुद का ग्रोथ कर सकते हैं आपकी इन्हीं सेलिंग स्किल्स को के लिए। राइटर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले आता है द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ। यहां राइटर बताते हैं कि किसी को भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से पहले आपको अपने आप को उन्हें सौंपना होता है। अब यहां राइटर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको खुद को बेचना है, बल्कि उनका कहना है कि लोगों के मन में आपके प्रति एक लॉयल्टी पैदा करें, ताकि लोग आप पर भरोसा करके आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सके। दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ बेसिकली 5 मेन चीजों पर काम करता है, जिसमें सबसे पहले है आपका कॉन्फिडेंस, जो बहुत मायने रखता है। जब आप लोगों के पास अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर जाते हैं, आप अपनी चीजों को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये लोगों को सबसे ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है आपका अपना नेचर। आपका लोगों के प्रति जितना पोलाइट नेचर होगा, लोग उतना ही ज्यादा आपके साथ घूमना पसंद करेंगे, और आपके प्रोडक्ट की सेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर उन्हें प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सेल को इंक्रीज करने में मददगार साबित होगा। चौथा पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। याद रखिए कि कभी भी सेल के वक्त आपका कम्युनिकेशन साफ होना चाहिए, यानी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें सारी जानकारी दें, किसी भी तरह की जानकारी को छुपाएं नहीं, क्योंकि हेल्दी टॉक आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है।
और कस्टमर के साथ आपका रिलेशन ही आपके सेल को इंक्रीज करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा पांचवा पॉइंट है पेशेंस। कभी भी आपको हड़बड़ी में कोई काम नहीं कर और ना ही अपने कस्टमर को फोर्स करना चाहिए, बल्कि अपने पूरे पेशेंस के साथ कस्टमर की सहमति जताते हुए काम करना चाहिए। इसी के साथ राइटर अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है माइंड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस पॉइंट में राइटर बताते हैं कि जब आप किसी चीज को सेल करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने वाले के दिमाग में कुछ सवाल छोड़ देने चाहिए, जैसे कि आखिर उन्हें ये चीज क्यों लेनी चाहिए, अगर वो इसे नहीं खरीदते हैं तो उनकी लाइफ में किसकी कमी रह जाने वाली। ऐसे कुछ सवालों के ब्लॉक आपको उनके मन में डेवलप करने होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में राइटर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि कैसे हमारे आसपास हवा पानी में एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कैसे हमारी हर एक एक्टिविटी का रिजल्ट इन्हीं एटम्स में बहने वाली एनर्जी के थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अपनी इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने के बाद राइटर हमें ब्रेन और उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आखिर हमारा ब्रेन कैसे इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। शायद यही रीजन है कि राइटर ने पहले ही हमें बता दिया था कि चैप्टर साइकोलॉजी पर है, जहां आप इंसानी दिमाग और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को समझेंगे। राइटर एटम्स के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि हमारे आसपास दो तरह की एनर्जी काम करती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव एनर्जी। एटम्स में बहने वाली ये एनर्जी ही हमारी लाइफ के रिजल्ट को डिसाइड करती है, यानी कि हमारे एक्शन का रिजल्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद एटम्स में बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी मूव करती है। इस चैप्टर में राइटर ने एटम्स में होने वाले वाइब्रेशन के साथ किस तरह उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इसके बारे में बताया। इसके साथ ही राइटर ने यह भी बताया कि हमारे आसपास मौजूद लाइट कैसे इन चीजों को इफेक्ट करती है। एटम्स में होने वाले इस मूवमेंट को डिटेल में समझने के बाद राइटर हमें मन के अंदर मौजूद ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि हर एक इंसान के पास दूसरे के मन तक बातें पहुंचाने के लिए एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन होता है, जहां से वो अपने मन की तमाम बातों और तरंगों को एक सिग्नल की तरह दूसरे के मन में भेज पाते हैं। वहीं दूसरे इंसान के पास एक रिसीविंग स्टेशन होता है, जो सामने वाले के मन से निकलने वाली बातों को रिसीव करने में मदद करता है। आपको सुनने में थोड़ा हैरान करने वाली बात लग सकती है, लेकिन इन्हीं स्टेशन द्वारा हम एक दूसरे के मन की बातों को समझ और जान पाते हैं, और यही पावर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में भी हेल्प करती है। आगे शो में राइटर मास्टरमाइंड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए एक्टिव रहता है, जो हमेशा किसी बात को गहराई से जानना चाहता है। राइटर के मुताबिक हमारे दिमाग की बनावट और इस दुनिया में मौजूद एनर्जी के बीच में एक संबंध है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राइटर इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाते हुए बताते हैं कि हमारे मन में चल रही चीजों का परिणाम हमें अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, यानी कि हम अपने मन में जिस तरह की बातें सोचते हैं उसी तरह की चीजें हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखने को भी मिलती हैं। राइटर बताते हैं कि ह्यूमन माइंड में चलने वाले थॉट्स उनके आसपास में होने वाली फिजिकल एक्टिविटी का एक रूप है, जो समय के साथ बदलती रहती है। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि हमारा माइंड हमेशा चलते रहता है, क्योंकि इंसान हमेशा नई चीजें सीखने और देखने में इंटरेस्टेड रहता है, इसीलिए वो हमेशा चारों तरफ भागता रहता है। इतना ही नहीं, राइटर बताते हैं कि एक पूरा ग्रुप किसी काम को साथ मिलकर करता है तो उसमें हमारी समझ और थॉट्स एक हो जाते हैं। हमारे मन के अंदर होने वाले केमिकल चेंज कहीं ना कहीं हमारे मूड बिहेवियर और पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 9 में, जो इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, यानी केवल 2 पेज में खत्म होने वाला। लेकिन इन 2 पेज में कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारी है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसे जेम्स ने लिखा है। और जेम्स बताते हैं कि जब उन्होंने लाइफ की रियलिटी को बहुत करीब से जाना तो उन्हें एक बात समझ में आ गई कि हम सभी की लाइफ में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पर रहना चाहते हैं तो आपको अपने लालच को त्याग करके संतोष को अपनाना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें, हमारे राइटर ने इस पूरे चैप्टर में जहां पैसे के बारे में बात की है, वहीं इस चैप्टर में राइटर बताते हैं
कि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता, बल्कि इससे सैटिस्फैक्शन पाने के लिए आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मेंटली सैटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि कम पैसे में भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास एक मेंटल सैटिस्फैक्शन है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेचैन और परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उनके मन में पीस नहीं, यानी उनका मन स्टेबल नहीं, और आज भी चीजों के पीछे उतना ही तेजी से भागता है। राइटर ने बहुत ही डीपली समझाया है कि सच्ची प्रॉस्पेरिटी कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने प्रॉस्पेरिटी लाइफ के लिए कुछ टिप्स भी बताई हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। लेखक ने बताया है कि मानव समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे अपना कर आप अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर सकते हैं। राइटर हमें बताते हैं कि धर्म, ईमानदारी और प्यार, इन सभी से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड सोसाइटी बनती है, और केवल इन्हीं के दम पर समाज भी आगे बढ़ता है। लेकिन इन चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि है नंबर 1, रिलाइंग ऑन इम्यूटेबल लॉ, यानी कि ना बदलने वाले कानून पर भरोसा। यहाँ बताया गया है कि हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें आखिरी में सुरक्षा और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। हमारी सोसाइटी और आसपास की इस दुनिया में कुछ कायदे और कानून काम करते हैं, और हमें उन्हें ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। वहीं अगर बात करें अपने दूसरे पॉइंट की, तो द पावर ऑफ ऑनेस्टी, जेनरोसिटी एंड लव। यहाँ बताया गया है कि ऑनेस्टी, काइंडनेस और प्यार में वो ताकत है जो हमें ग्रोथ की दिशा में ले जाती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि पूरे समाज को मेंटेन करके आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तीसरा है फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस। यहाँ बताया गया कि हमें अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सेल्फ सेंटर्डनेस है क्या। इसका मतलब है इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला पॉइंट है एक्सपैंड द सोल एंड हार्ट। यहाँ बताया गया है कि हमें अपनी आत्मा और दिल को बड़ा करना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर अच्छाई और प्रेम बांटना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा या दिल को बड़ा होने से क्या मतलब है, तो आपको दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोंस्ट्रेट ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, यानी ईमानदारी और विश्वास। यहाँ बताया गया है कि सच्चे और विश्वास योग्य इंसान ही हमें अमीरी की ओर ले जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अच्छा, नेक है और विश्वास करने लायक है, तो आपको उनकी बातों को मानना चाहिए और उनकी तरह सच के रास्ते पर चलना चाहिए। शील्ड ऑफ गुडनेस, अच्छाई का कवच। दोस्तों, राइटर हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपनी इनर क्वालिटीज को अपनाकर खुद को बुराइयों से बचाना चाहिए जो हमें बुरे वक्त में सुरक्षित रखती हैं। कई बार हम दूसरों की बुराइयां सहते सहते खुद भी बुरे बनने लगते हैं, जबकि राइटर ऐसा करने से मना करता है। उनका सीधा मानना है कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को मत खोइए, फिर जमाना कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ रास्ते हैं प्रॉस्पेरिटी के, जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ में पूरे सैटिस्फैक्शन के साथ हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं। राइटर बताते हैं केवल प्रेम, दया भावना और आपकी अच्छाई ही आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है। अगर आप लालच, नफरत और जलन की भावना के साथ अपनी लाइफ जीते, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की इम्पोर्टेंस को समझाते हुए राइटर हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ किस तरह पूरे सैटिस्फैक्शन के साथ जीनी चाहिए। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। चलिए बात करते हैं अगले एपिसोड की, जहां राइटर हमें दो शक्तियों के बारे में बताते हैं जो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा आसान बनाती हैं। इस चैप्टर में राइटर हमें बताते हैं कि इंसान दो शक्तियों के बीच में हमेशा स्ट्रगल करता है। पहले तो वो खुद के ऊपर राज करना चाहता है, यानी खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरा वो सत्य के ऊपर राज करना चाहता है, यानी जो सच्चाई है और वो उसे जीतना चाहता है। अगर इसे थोड़ा और आसान करके बताऊं तो इंसान अपनी लाइफ में दो तरीके से जीना चाहता है। पहला कि वो सभी काम करना चाहता है जो उसे पसंद है, और दूसरा केवल उन कामों को करना चाहता है जो सही है। लेकिन जब इंसान खुद के हिसाब से काम करना शुरू करता है, तो वो जुनून, गर्व, लोभ, घमंड और सेल्फिश जैसी बुरी आदतों का उपयोग करता है। मगर वहीं दूसरी तरफ सत्य का रास्ता है, जिसे हम पिता, परमेश्वर, ईश्वर मानते हैं, जो प्रेम, दया का रूप है। ऐसे में हमारे मन के भीतर एक अजीब तरह की लड़ाई चलती है, जहां हमें मालूम होता है कि हम गलत हैं,
मगर फिर भी हम उन चीजों को करने के लिए लाचार होते हैं। लेकिन राइटर यहाँ समझाते हुए बताते हैं कि आप जैसे जैसे खुद के लिए काम करते हैं, आप वैसे वैसे सच्चाई से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब आप सत्य के लिए काम करते हैं तो आप खुद के बेहद करीब आने लगते हैं, यानी कि आपका सेल्फिश नेचर आपके सत्य का विनाश करता है। वो बताते हैं कि मनुष्य को केवल सत्य और सही की राह पर ही चल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसके अंदर सरलता झलकनी चाहिए। सत्य और स्वयं की इसी बात को अलग अलग तरीके से राइटर ने अपनी किताब में एक्सप्लेन भी किया और उन्होंने हमें सत्य की महानता भी समझाई है। पहला, द रिलीजन ऑफ ट्रूथ वर्सेस द वर्शिप ऑफ सेल्फ, जहां राइटर बताना चाहते हैं कि जब आप सेल्फिश बन जाते हैं तो आप अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन अगर आप सत्य को पहचान के काम करते हैं तो आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आपके अंदर पवित्रता होती है और निःस्वार्थ भाव से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दूसरा, इंटरनल एग्जामिनेशन को अलाइनमेंट ऑफ ट्रूथ, यह राइटर बताता है कि व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले एक बार उसकी जांच जरूर करता है कि क्या वो काम सही है या गलत। अगर आप किसी भी काम को जिसे आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं एक बार जांच करके पुष्टि जरूर कर लें कि ये काम सत्य का है या नहीं, इसकी मदद से आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद और सेवा कर पाएंगे। तीसरा, सेल्फिश परस्यूट वर्सेस सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ, जो लोग लालच में फंस जाते हैं वो लोग अपना खुद का फायदा ढूंढने लगते हैं और फिर वो अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग करके अहंकार के जंगल में फंस जाते हैं। इसके ठीक विपरीत, जो लोग लालच और बुरी आदतों को छोड़कर सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनकी लाइफ औरों की उपेक्षा में बेहद सरल और आरामदायक होती है, वो अपनी लाइफ में हर एक मुकाम को हासिल कर पाते हैं। चौथा है, एरोगेंट प्राइड वर्सेस हम्बल डिमीनर, सेल्फिश लोग दिखावा करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं और अक्सर खुद की प्रशंसा में लगे रहते हैं और अक्सर दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वहीं विनम्र व्यवहार में व्यक्ति सदा नम्र और सहज होता है और दूसरों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता दिखाता है। राइटर बताते हैं कि खुद का समर्पण एक ऐसा रास्ता है जो बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम लोग अपने अंदर के लोभ, लालच, पाप को छोड़कर एक सात्विक और साधारण जीवन को अपना पाते हैं। झगड़ा, लड़ाई, कलह, अहंकार, लालच, नफरत की सभी बुरी आदतें हैं जो इंसान से उसका सुख, चैन, धन सब कुछ छीन लेती हैं। इसीलिए राइटर बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, इन सभी चीजों को छोड़कर आपको केवल सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम्बल होकर अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन आदतों को बारीकी से समझकर अपने अंदर अपना लेता है तो ना सिर्फ इसकी बाहरी दुनिया में बदलाव होता है बल्कि उसके इंटरनल वर्ल्ड में भी बदलाव देखने को मिलता है, यानी उसके व्यवहार, स्वभाव, रहन सहन, हर चीज में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलता है। इन्हीं चेंज के द्वारा इंसान अपनी लाइफ में सुख, शांति और हर ऐसा आराम पा लेता है जिसकी उसे चाहत होती है। लेखक ने इस बात को अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। पहला है पर्सपेक्टिव एक्सप्लेनेशन, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत हासिल कर लेता है और अपने अंदर एक अलग तरह का बदलाव करके पसंद नापसंद के मोह माया को छोड़कर एक साधारण जिंदगी को अपना लेता है। उसे सही गलत, दुनिया का भेदभाव, दूसरों को भी बड़े ही सटीक तरीके से पहचान जाते हैं। दूसरा है हार्मोनियस परसेप्शन, इस तरह के लोगों के अंदर एक खास तरह का बदलाव ये भी देखा जाता है कि उनके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं होता, वो किसी तरह के छिपने या छुपाने जैसी चीजों से खुद को बहुत दूर कर लेते हैं और एक शांति और सुंदर जिंदगी जीने लगते हैं। वो हमेशा गहन शांति की खोज में रहते हैं जो केवल सत्य के रास्ते पर ही मिल सकती है, और तो और दुनिया को देखने का उनका नजरिया भी बदल जाता है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी इन ट्रूथ, राइटर बताते हैं कि आपका मन और हृदय की सिचुएशन ही सत्य की पहचान कराता है, यानी कि आपके मन में किसी भी तरह के द्वेष या छल की भावना नहीं है, ये बताता है कि आप सत्य की राह पर पूरे तरह से निकल चुके हैं। राइटर समझाना चाहता है कि आपको हमेशा एक सिंपल, साधारण और सरल लाइफ को ही अपनाना चाहिए, बहुत ज्यादा दिखावे की जिंदगी तकलीफदायक होती है। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, इस सिचुएशन को हासिल करने वालों को दुनिया के सभी नियम कानून की जानकारी होती है, उन्हें मालूम होता है कि कौन सी चीज दुख की वजह बन सकती है और वो हमेशा मुक्ति के रास्ते को ही अपनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग सांसारिक बंधनों से खुद को मुक्त कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह के मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अंदर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने मार्ग से कभी नहीं भटकते। अगला पॉइंट है गुडविल एंड कंपैशनेट एटीट्यूड,
ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं और वो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार भी करते हैं। वो न तो कभी किसी की बुराई करते हैं और न ही किसी के प्रति किसी तरह की हीन भावना रखते हैं। वो हर किसी को प्रेम, सम्मान और अपनेपन की नजर से देखते हैं और सबकी अच्छाई और भलाई की दुआ भी करते हैं। और आखिरी पॉइंट है फाइनल लिबरेशन। वो एक ऐसे भविष्य की उम्मीद करते हैं जहां जीवन के चक्र से आजादी मिल सके और वो इस भ्रम भरी दुनिया से खुद को अलग कर सके। ऐसे लोगों का मानना है कि आत्मा इस दुनिया में केवल भटकती है, वो कभी भी स्थिर नहीं होती है और ना ही उसे कभी किसी चीज में संतुष्टि मिलती है। राइटर बताते हैं कि आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लालच माया में ही घिरा रहता है। उसके लिए इन सभी से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार सत्य और धर्म के रास्ते को अपना लेता है, वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी में ग्रो करता है बल्कि एक हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ भी इंजॉय करता है। राइटर बताते हैं कि खुद के प्रति अटूट लगाव के कारण लोग सत्य को नहीं समझ पाते और इसीलिए वो इसकी सच्चाई से भी दूर भागते रहते हैं। खुद के प्रति या दृढ़ विश्वास उनका सेल्फिश नेचर ही उन्हें सत्य को समझने में और देखने से रोकता है और उन्हें वो बनने के लिए प्रेरित करता है जो केवल एक भ्रम है। यानी कि लोग अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से आज केवल भ्रम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उन्हें सब कुछ दिखावे का पसंद है और वो दिखावे में ही शांति ढूंढते हैं, जबकि सच कुछ और है। शांति वो नहीं है जिसे हम बाहरी दुनिया में तलाशते हैं, शांति वो है जिसे हम अपने अंदर पा सकते हैं। तो बस सत्य और सेल्फिश नेचर में डिफरेंस बताने के साथ राइटर आखिर में हम सभी को यही बताना चाहता है कि हमें अपनी सेल्फिश नेचर को छोड़कर सत्य की राह को चुनना चाहिए और वो करना चाहिए जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि हमारे समाज, हमारे आसपास और इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव जंतु का फायदा हो। हम सभी को हमेशा अपने फायदे और अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारे अंदर के प्रेम और काइंडनेस का एक रूप है। निःस्वार्थ यानी बिना किसी डिजायर या लालच के की गई मदद सच्ची मदद है, वरना मतलब से किया गया दान भी एक बिजनेस का हिस्सा है। राइटर हमें आगे बताते कि हमारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, ये पल भर की है, इसीलिए हमें वो हर एक काम करना चाहिए जिससे बाद में लोग हमें याद कर सकें और हमारे आने वाली संतानों को भी हमसे कुछ सीखने और जानने को मिले। हाँ, तो सुना आपने कि कैसे इस बुक में राइटर्स ने अमीर बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत सारे तरीके बताए। तो बस आप भी इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हुए एक सही फैसला लेकर अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके ग्रोथ अचीव कीजिए और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए सुनते रहिए।